कुछ ठीक नहीं होगा। सम्मान क्या होता है, मर्यादा क्या होती है, इसे पहले भी नहीं मालूम था। और आप ऐसा कैसे मॉम को बोल रहे हैं? मॉम ने कैसे तुम ऐसे थोड़ी भी देर से तुम कुछ भी सीधा बोल रहे हैं? मुझे जानना है कि आप मेरी मॉम को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लड़की ने आवाज उठाकर हमारे सामने आवाज उठाकर बता दिया इसकी तो हमारा मर चुकी है। अच्छा हमारी बेटी मिसेस ऋषि
मैं अपनी बेटी की यादों के साथ जीने के लिए वो संदूक लेकर आओ। ये पकड़ लेना तू। बोलेगा, देखो ये पकड़ लेना। एक्शन। बड़ा ड्रामा खुला हुआ है अभी हमारे घर में, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, इमोशंस हैं, गुस्सा है और बहुत कुछ रिवील हो रहा है अचानक से, जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं 20 साल की हो गया हूँ, इन 20 सालों में मुझे इनसे मतलब चिट्ठी भर भी कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो अचानक से नाना आ गए हैं, उनकी पूरी इतनी बड़ी फैमिली आ गई है, मेरे मामा, मेरी मामी, मेरी नानी, मेरी कज़िन भी है एक मेरी एज की, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है एंड इतने सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं दिमाग में जो मैं बार बार पूछ भी रही हूँ मम्मा से, पर वो कुछ नहीं बताना चाहती हैं, या गुरदीप बाद में बताऊँगी क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड उनके भी कुछ दिमाग में चल रहा है, कुछ स्टोरीज पक रही हैं, ऊपर से इतने में आ जाते हैं वापस से नाना जी एंड पूरा ड्रामा चल रहा है। नाना जी मेरे डैड को पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और उनका उनसे उल्टा रिएक्शन मेरा है, क्योंकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, और मेरे डैड के बारे में वो इतना सा भी बोलते हैं तो मुझे इतना दर्द होता है, इतना बुरा लगता है, फिर उसके बाद जब उन्होंने इतना ज़्यादा बोल दिया तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ कि मैं नहीं देखती हूँ कि वो मेरे नाना हैं या उनकी एज क्या है या कुछ भी है, मैं भड़क पड़ती हूँ उन पर कि आपके पास कोई हक नहीं है मेरे डैड को कुछ बोलें आप, क्योंकि उन्होंने आपका ऐसा क्या कर दिया है आप वो भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली मुझे ऐसे टॉन्ट्स मार रहे हैं, ताने मार रहे हैं मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मम्मा को बोल रहे हैं, तो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ऐसा करा क्या है आप मुझे ये तो बताइए, फिर आप उसके बारे में बोलिए। तो बस यही ड्रामा हम शूट कर रहे हैं आज और यही चल रहा है हमारी फैमिली में। मम्मा पे गुस्सा नहीं है क्योंकि मैंने ये हमारी बेटी कहीं खो गया, कलकत्ता से लाए थे, जख्मों को दबा कर रखा था पर टांके आज उखड़ गए, ये पहली गुड़िया हम कलकत्ता से लाए थे अपनी बेटी, उसको अपनी गोद में बिठाकर कान छिड़वाए थे, सुनार ने पहनाई थी ये बालियों से जब 2 साल की थी हमारी से, ये उसके उसकी साइकिल का ट्रेनिंग गेम टूट गया, गिरी हो आंसू हमारे, ये उसकी पहली किताब, ये
ज्योमेट्री बॉक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री बॉक्स कंपास से उसने अपना नाम लिखा था इस पर, स्नेहा चौबे। बड़ा बनना चाहता है, आप में भी